यूपी के शाहजहांपुर में मजार विवाद को लेकर हंगामा और बवाल का मामला सामने आया है। यहां सरोहा गांव में मजार के नाम पर अवैध कब्जे के आरोप में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने मजार की दीवार भी गिरा दी। बताया जा रहा है कि मंदिर के पास अवैध कब्जे के आरोप में हंगामा हुआ। वहीं दो समुदायों के बीच तनाव के बाद चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि स्थिति काबू में है और शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पूरा मामला शाहजहांपुर के सरोहा गांव का है। आरोप है कि गांव में मंदिर के पास अवैध रूप से मजार का निर्माण कर दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने एक बैठक बुलाई। बैठक के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ ने अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। गुस्साई भीड़ अवैध मजार के पास पहुंची और देखते ही देखते मजार की दीवार को भी धराशाही कर दिया। गुस्साए लोगों की भीड़ इतने पर नहीं रुकी, भीड़ ने वहां पर शिवलिंग भी स्थापित कर दिया। देखते ही देखते मामला काफी तूल पकड़ लिया, जिसके बाद विवाद होने की स्थिति बन गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंची। फिलहाल दो समुदायों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मौके पर चार थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। इसके अलावा पीएसी को भी तैनात किया गया है। पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। तो कैसा लगा हमारी वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए इंडिया.com।